हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैकनेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी मैं 36 साइज़ का। तो देखिए, यहाँ पर ये मैन फैब्रिक की अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, हमें टोटल लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 14.5 इंच, 13.5 इंच मुझे तैयार रखनी है। आपको भी जितनी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रख रही हूँ मैं यहाँ पर 5.5 इंच, आर्म होल्स लेने हैं 4.25 इंच। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर 9 इंच, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन का। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरीके से चेस्ट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच हम बाहर की तरफ करते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये भी हमें डीप नेक में करना होता है। और बाहर वाली लाइन से ही हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट में जो प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। मार्किंग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और अब हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लेना है और इसे हम मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर मैंने कट कर लिया है। गले में मैं पीछे की तरफ डोरी नहीं लगाऊंगी, तो यहाँ पर नेक विड्थ रखी है 2.25 इंच, नेक की लेंथ रखी है यहाँ पर 10 इंच। नेक की जो विड्थ है और लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच तक रख सकते हैं। और सिंपल यहाँ पर मैं राउंड शेप दे रही हूँ, ज़्यादा यहाँ पर मैंने इसे डीप भी नहीं रखा है क्योंकि मैं इसमें डोरी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। नेक विड्थ रखी है 2.25 इंच और नेक की लेंथ ली है 10 इंच। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे विदाउट पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमें सिंपल राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे यहाँ पर। 1/2 इंच हमने नेक विड्थ का छोड़ के मार्किंग करनी है। पिन लगा लेंगे कटिंग से पहले और इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। नेक को भी हमने इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो नेक है वो कटिंग हो चुका है और अस्तर वाला जो फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसे रख करके इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 2 पीसेस में था, इसे मैंने जॉइंट लगा लिया है और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस से चिपका सकते हैं या फिर आप इसे सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, हम एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। बस हमें यहाँ पर जितना कपड़ा फोल्ड रखना है उतना ही फैब्रिक हम रखेंगे, बाकी सारा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद हमने इसे फोल्ड कर लेना है साइड से। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, नेक को मैंने फोल्ड कर लिया है। नेक हमारा तैयार हो गया है और अब हमने मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में यहाँ पर जॉइंट लगा लेना है। तो अच्छे से आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सलिया क्रीज बिल्कुल भी ना आए। और अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अटैच कर लिया है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे कट करके। अब हमने बैक पार्ट को डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर लेंगे हम। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद सेंटर में ही ऊपर और नीचे की तरफ एक कट लगा लेंगे और इस तरीके से हमें चौक से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर नेक की भी सेंटर मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हम
जो गला है हमारा उसे डबल फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ एक कट लगाएंगे और चौक से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। इसके बाद हमें ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग और नेक का सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेनी है नेक के ऊपर, और इसके बाद हम नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए सिलाई लगानी है हमें, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए सिलाई लगानी है। इसके बाद देखिए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। यहाँ पर एक पैर के मार्जिन जितना ही कपड़ा रखेंगे, बाकी सारा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। पूरे ही नेक पर हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। कट लगाने से हमारा जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाएगा। तो एक सिलाई हम गले को इस तरफ करते हुए जो नेक की हमारी पट्टी है उसके ऊपर लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमने गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे दोनों ही तरफ। इस तरीके से हमने देखिए प्लेट्स डाल ली है, और ये मैंने कुछ ग्रीन कलर के यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कलर में पीस लिए हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच है, और इनके हमें ट्रायंगल बना लेने हैं। इस तरीके से आप इसे सिलाई लगाकर फोल्ड कर लें, ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल बना लेंगे। सभी पीसेस हमें इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। ये देखिए इन्हें कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको साइड से कट कर देना है। ये सभी पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं, और इसके बाद देखिए हमें इन्हें लगाना है इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर इस तरफ एक तरफ हम लेस से डिज़ाइन बनाएंगे और दूसरी तरफ हमें ये ट्राइंगल्स लगा लेने हैं। तो बिल्कुल गले से आपको गले के पास से ही लगाने हैं इन्हें। इस तरीके से लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसे थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ से तिरछा लेते हुए लगाने हैं, ये देखिए इस तरीके से शेप देते हुए लगाना है। इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरफ लेस लगानी है, तो इस तरफ नेक के हम लेस लगाएंगे। तो लेस को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ढीला छोड़ते हुए ही लगाना है। और एक सिलाई हम लेस के इस तरफ लगा लेंगे, ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने कंप्लीट किया है। और अब हमने एक लेयर इसके पास से लगानी है, तो ऊपर तक हम इसे भी लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक लेयर और लगा ली है, और ये जो ट्रायंगल हमने लगाए हैं इनका जो जॉइंट है उसे कवर करने के लिए एक लेयर हम इस तरफ लगाएंगे लेस की। तो इसे भी हम नीचे तक लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो ट्रायंगल है इस पर आप एक मोती भी टक कर सकते हैं साइड में, मैंने इसे सिंपल रखा है, आप चाहें तो इसमें मोती भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नीचे की तरफ आप कमर पट्टी या पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सीधी पट्टी ली है, और इस तरीके से पहले हम सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके पाइपिंग बना लेंगे। पट्टी को इस तरफ करते हुए जितनी भी मोटी आपको पाइपिंग रखनी है इस तरीके से आप पाइप यहाँ पर पाइपिंग निकालते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए इस तरीके से हम इसे लगाकर कंप्लीट कर लेंगे, और ये डिज़ाइन हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।